नमस्कार दोस्तों, ये पॉज इस वजह से है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में भी एक पॉज लगा हुआ था। वो पॉज इस बात को लेकर था कि जिस गाड़ी का हम इंतजार कर रहे हैं वो कब आएगी। तो वो जो पॉज है अब एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि उस गाड़ी को लेकर, जिस गाड़ी के लिए आपके सबसे ज्यादा सवाल है, मारुति की सुजुकी की जिम्नी। यस, मारुति सुजुकी जिम्नी इज ऑल सेट टू हिट आर रोड। और हमने जागरण हाईटेक के प्लेटफॉर्म पर ही सबसे पहले शशांक श्रीवास्तव जी से जब पूछा था, उन्होंने इसकी टाइमलाइन बताई थी और उस टाइमलाइन से बिल्कुल साथ में अब ये गाड़ी मैदान में आ चुकी है। ये लेगेसी कार इस वक्त मेरी आंखों के सामने भी खड़ी है और ऊंची जा रही है, यू नो, उड़ान भर रही है। शशांक सर, तो क्या ये उड़ान भरने के लिए अब बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल, इसके ये जो है अब प्रवास के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, जिम्नी का ग्लोबली बहुत ज्यादा लोगों को पसंद है, इट्स अ लेगेसी, राइट? 1970 अगर मैं गलत नहीं हूँ, वहां से कहानी शुरू हुई थी। फोर्थ जनरेशन है ये, 2022 है, लेकिन हर मार्केट में इसका अलग अलग पर्पस है। भारत में क्या पर्पस है, अर्बन, रूरल, ऑफ रोड या फिर सेल्स? जी देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये इसका जो इब्तदाई दौर है वो शुरू हुआ था 1970 से, और ये चौथा जनरेशन है जो अब हमारे हम देख रहे हैं यहाँ पे। हिंदुस्तान में इसको ये पहली बार है कि जिम्नी यहाँ पे आ रही है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो जिम्नी है ये अभी तक 199 मुल्कों में 30 लाख से ज़्यादा बिक्री हो चुकी है। लेकिन वो जो जिम्नी थी जो बिक्री हुई है बाकी मुल्कों में, वो दरअसल 3-डोर जिम्नी है। और यही वजह है कि यहाँ पे एक थोड़ी सी ताखीर हुई हमारे को यहाँ पे लाने में, क्योंकि हमने या जब अपनी वो तहकीक करी सारिफिन के साथ भी, तो उन्होंने कंज्यूमर्स ने हमें बताया कि इंडिया में एक्चुअली 5-डोर जिम्नी की ज़रूरत है, और इसलिए वो थोड़ा सा वक्त लगा वो उसको डेवलप करने में। लेकिन जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, हमने ऑटो एक्सपो में अभी जनवरी में उसको अनवेल किया, ग्लोबल अनवेलिंग थी 5-डोर जिम्नी की। और इसका पर्पस हमारे मुल्क में एक उस सेगमेंट को कवर करना है जिसको एक लाइफस्टाइल एसयूवी के नाम से जाना जाता है। ये सेगमेंट आज की तारीख में एक थोड़ा ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं है ये सेगमेंट, लेकिन ये सेगमेंट मेरी नज़र में आने वाले वक्त में काफ़ी बड़ा होगा। और ये उन कंज्यूमर्स के लिए है जो कि ऑफ रोडिंग करते हैं, या उन कंज्यूमर्स के लिए हैं जो ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं लेकिन उनको एक स्टेटस और उनको एक लाइफस्टाइल का एक तरीका तौर तरीका दिखाना है दुनिया को, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी गाड़ी है। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहा है, लेकिन फ्रॉन्क्स के मुतल्लिक मैं एक बात शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त कस्टमर्स की तरफ से बहुत आया था कि उन्होंने उसका बहुत इंतज़ार किया। ये गाड़ी भी 2 महीने से डीलरशिप पर मौजूद है जी। तो लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बुकिंग भी काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी भी उनको इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी। और कई लोगों ने इस पर गुस्सा भी जताया, अगर मैं सच कहूँ, कि अगर कीमत का थोड़ा अंदाज़ा पहले से दे दिया जाए तो आसानी होगी। तो क्या आप वो जो थोड़े से जो दर्शक जो थोड़ा सा गुस्सा हो रहे हैं, जो मारुति सुजुकी लॉयल हैं लेकिन बुकिंग करने के बाद भी इस लंबी वेटेज से थोड़ा सा नाखुश हो गए हैं, तो क्या उनको जागरण हाईटेक के प्लेटफॉर्म पर आप थोड़ा खुश करके ये बता सकते हैं कि लॉन्च एग्जैक्टली कब होने वाली है और कीमत कहाँ? आप एग्जैक्ट मत बताइए, वो लॉन्च के लिए रख लीजिए, लेकिन अगर एक अंदाज़ा दे दें बाकी गाड़ियों से जुड़ता हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तजव्वुज से आपके नाज़रीन को ये जो इंतज़ार करना पड़ा है उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। अब गाड़ी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, ये एक अच्छी खबर जो है हम आपके नाज़रीन को देना चाहेंगे। और ये भी मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जून के पहले हफ्ते में इसकी सेल शुरू हो जाएगी, तो ये एक दूसरी अच्छी खबर है। और जहाँ तक प्राइस के मुतालिक आपने जो सवाल किया, वो अभी प्राइस हम फाइनलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रेंज की बात करें तो हाँ, ये रेंज मेरे को अभी इस समय एक जो एग्जैक्ट फिगर है वो तो शायद वो अदद शुमारी मैं यहाँ पे नहीं बयान कर पाऊँ, लेकिन ये एक प्रीमियम व्हीकल है, इसमें 4-व्हील ड्राइव भी है, इसमें 2-व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है। जाहिर सी बात है इसकी प्राइसिंग प्रीमियम होगी, और ये हमारे मुझे उम्मीद है कि इसकी प्राइसिंग
15 लाख से थोड़ा नीचे के आसपास हम कोशिश करेंगे इसको रखने की कोशिश करते हैं कि जो शुरुआती जो प्राइसिंग है वो और जागरण हाईटेक वो पहला प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पर शशांक श्रीवास्तव जी ने आपको एक तरह से एक ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। अगर आप बुकिंग कर चुके हैं इस गाड़ी की, 30,000 से ज्यादा वो लोग जो बुकिंग कर चुके हैं, ये उनके लिए एक बहुत क्लियर मैसेज है कि ये एक प्रीमियम गाड़ी है। सर 30,000 से ज्यादा की बुकिंग है, डिमांड बहुत ज्यादा, यानी 6 महीने से ज्यादा की वेटिंग है जो कि देखने को मिलेगी। सो ये पेंट अप डिमांड को मीट करने के लिए कुछ खास प्रावधान करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो मुस्तकिम जो डिमांड है, जो स्टेबल डिमांड है, वो कितनी होती है। और उसका अंदाजा हमें मेरे ख्याल में मिल जाएगा जब हम अपनी कीमतें ऐलान करेंगे। उसके बाद के रुझान से हमें पता चलेगा कि इसकी जो मुस्तकिम डिमांड है वो कितनी है। उसके बुनियाद पे फिर हम प्रोडक्शन अपना आगे का प्लान करेंगे। सर इस गाड़ी की जो बुनियाद है वो 4x4 कैपेबिलिटी है, राइट? ग्रैंड विटारा में भी हमने ऑल ग्रिप को देखा, यहाँ पर भी ऑल ग्रिप का इस्तेमाल किया गया है। क्या कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं ऑल ग्रिप, या फिर मारुति सुजुकी की टीम को लग रहा है कि इसका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है और कस्टमर्स के लिए बेहतर है? जी, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें लग रहा है कि एक ऐसा तब सेगमेंट हमारे SUVs में डेवलप हो रहा है जो कि ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी चाहता है। और अगर आपने देखा होगा हमारे जो मुल्क है उसके जो सार्फीन हैं वो थोड़ा सा एक उनका डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है कि वो लाइफस्टाइल व्हीकल्स भी चाहते हैं। पहले सिर्फ जिसको हम फंक्शनैलिटी बोलते थे उसके बुनियाद पे लोग गाड़ी खरीदते थे, लेकिन अभी थोड़ा एस्पिरेशनल और एक थोड़ा पैशन के बुनियाद पे भी लोग गाड़ी खरीदते हैं। इसलिए हमें लगता है कि जहां ऑफ रोडिंग या जहां पे ऐसे दूर दराज इलाकों में जाना है उसके लिए एक ऐसी गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए जिसकी कैपेबिलिटी हो कि वो इस तरह के जगह पर जा सके। और उसके लिए 4x4 जो ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी है उससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी मेरी नज़र में हमारे मुल्क में नहीं है। शशांक सर एक डायरेक्ट सवाल है, क्योंकि आपसे पूछने की हिम्मत भी कर सकता हूँ क्योंकि आप डायरेक्ट जवाब देने में यकीन रखते हैं और मारुति ने कंपटीशन को भी डायरेक्ट जवाब ही हमेशा दिया। लाइफस्टाइल व्हीकल 4x4 की जब बात होती है एंड द कैटेगरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्या आप इसको जो गाड़ी बाजार में मौजूद है, अगर मैं कहूँ महिंद्रा की जैसे थार मौजूद है, क्या आप इसको उसका कॉम्पिटिशन मानेंगे या इसको उससे अलहदा रखेंगे? देखिए मेरे नज़र में काफ़ी कुछ ये अलहदा है। एक तो ये अगर मैं उससे मुवाजना अगर सीधे तौर पे बराह रास्त अगर उसके साथ जो मैं मुवाजना करूं तो उसमें जो कैपेबिलिटी 4x4 की जो इस गाड़ी में है मेरे नज़र में इस जो ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी है वो बहुत मेरे मतलब बेहतरीन है, अव्वल तरीन बोलूँगा मैं। और हमारे मुल्क की जो बाकी जो गाड़ियाँ इसमें जो हैं उसमें आला तरीन मानूँगा। तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है और सिर्फ ये उन लोगों के लिए नहीं है जो दूर दराज इलाकों में ही जाएंगे जैसे मैंने फरमाया, लेकिन मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि ऐसे कई कंज्यूमर्स हैं हमारे अर्बन एरियाज़ में भी, शहरी इलाकों में भी, जिनके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है क्योंकि ये इसकी जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत कम है अगर आप उसका मुवाजना बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटर जैसे आपने फरमाया उनसे अगर करें। और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, इसमें 17 किलोमीटर पर लीटर की है। तो कई नज़र में मैं देखता हूँ ये जो गाड़ी है ये शहरियों को भी पसंद आएगी। हम यहाँ बैठे हुए हैं अभी देहरादून में और जब मैं होटल से यहाँ पे आ रहा था तो कई जगह सड़कें ऐसी पाई मैंने जो कि मुझे लगा कि जिमनी होनी चाहिए देहरादून के लोगों के पास भी। तो ऐसी हालात कई जगह ऐसी भी हैं हमारे मुल्क में जहाँ पे ये बहुत कामयाब गाड़ी हो सकती है और ये भी एक सेगमेंट है जिस पे हमारी नज़र है। यानी क्लियरली शशांक सर यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नहीं है, ये आपकी लाइफ को स्टाइल में ला सकता है एवरी डे पर्पस। जी ये बात right, बहुत मैं कहता हूँ बेशकीमती आपने किए मार्केटिंग ऑब्जर्वेशन की है और मुझे खुशी है। और ये शायद मैं अपने उससे बोल नहीं पाया लफ्ज़ों में, लेकिन एग्जैक्टली यही है कि ये गाड़ी ऐसी है जो लाइफस्टाइल भी है और आपकी लाइफ को स्टाइल भी दे सकती है। तो जिमनी अगर आपने बुक कर ली है तो आपको ज़्यादातर आपके जवाब मिल चुके हैं, और अगर जिमनी नहीं बुक की है तो क्या बुक करनी चाहिए उसको लेकर भी शशांक सर ने बिल्कुल डायरेक्ट, ये डायरेक्ट बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
हम काफ़ी गाड़ियों को टेस्ट करने के लिए निकलते हैं, लॉन्च से पहले हम उनको परखते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लॉन्च से पहले जो हम गाड़ी परखते हैं उनमें कुछ ना कुछ अमूमन बदलाव ऐसे कर दिए जाते हैं कि उस वक्त तो हमें पसंद आती है लेकिन जब वो बाज़ार में उतारी जाती है तो उसमें कुछ और होता है। पर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ जिस जिमनी को हमने अभी ऑफ रोड पर टेस्ट किया है वो प्रोडक्शन कार्स हैं, वो स्टॉक कार्स हैं जो कि अभी अभी बनकर निकली हैं, और यहाँ पर कहीं पर भी यही गाड़ी है जो आपको मिलने वाली है। और मैं इस गाड़ी को टेस्ट कर चुका हूँ, अच्छी है बुरी है इसके बारे में आप हमारे रिव्यू में देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इंतज़ार जो किया है आपने, वेट किया है, वो वेट करना बनता है। सर ये साल तो बहुत अच्छा रहा, एक के बाद एक सारा पूरा लाइनअप आपका रिफ्रेश हो चुका है जी। क्या आप लाइनअप में कुछ बचा हुआ है या कि 2024 सीधा आप इलेक्ट्रिक से शुरुआत करेंगे? नहीं नहीं, काफ़ी कुछ बचा हुआ है, और जैसे मैंने आपको बताया कि मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट के मुतल्लिक हमेशा एक रवैया जो है काफ़ी आक्रामक रहा है, और हर साल की तरह इस साल में भी जो रवां माली साल है 2023-24 उसमें भी हम नई गाड़ियां और उतारेंगे। तो फ्रॉन्क्स आ गई है, जिमनी आ गई है, कुछ दिनों बाद हम एक और गाड़ी जो बड़ी हमारी जो MPV है वो लेके आएंगे, और भी काफ़ी हमारे प्लान्स हैं। लेकिन इस फोरम पे मैं अपने प्रोडक्ट के मुतालिका अगर मैं हमारी जो तंजीम है उसकी हिकमत अमली उसको मुकम्मल बयान शायद नहीं कर पाऊँगा, तो अब मैं बस इतना बोलूँगा कि हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है बड़ी आक्रामक हो रही है। मारुति के शोरूम में जाइए, इस गाड़ी को चेक कीजिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो बाकी सारी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर हम देते रहेंगे। लेकिन जाते जाते मुझे पता है आपका एक और सवाल रह गया, वो सवाल पूछे बिना नहीं जा सकता हूँ। आपने अभी जिक्र किया एक और गाड़ी है जो कि आने वाली है, क्या मारुति अब प्रीमियम गाड़ियों पर ज़्यादा जोर दे रहा है? ज़्यादा जोर तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हम उस वाले इलाके में भी अब कूच कर रहे हैं, अब हम उस वाले इलाके की तरफ भी, यानी कि वो कंपटीशन जो कि इस बात से अब तक थोड़ा खुश था कि मारुति प्रीमियम बाजार को तो कम से कम टारगेट नहीं कर रहा, अब उनके लिए भी एक चुनौती आ गई है। जी मैं तो कहूँगा कि अगर आप इसके आंकड़े देखें, अगर अदादशुमारी की अगर बात की जाए, तो पहले एक ऐसा ख्याल था कि मारुति सुजुकी 10 लाख से कम की गाड़ियों में ही अव्वल है, वो है हमारा 60% शेयर है उसमें। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि 10 से 15 लाख का जो सेगमेंट है उसमें भी अब मारुति मार्केट लीडर बन गई है, तो उसमें हमारा करीब 27-28% शेयर है। तो ये 15 लाख के ऊपर, अब आप ये कहेंगे कि हमारे जो हरीफ हैं वो 15 लाख के ऊपर वाले सेगमेंट में मुतमईन रह सकते हैं, लेकिन शायद अब हम उस वाले सेगमेंट की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो आपने सही फरमाया कि हमारे जो हरीफ हैं उनको इस बात के भी उनको ख्याल रहना चाहिए कि हम उस सेगमेंट में और वो ज़्यादा मुतमईन ना रहें। हरीफ, हरीफ यानी कि कॉम्पिटिटर कह सकते हैं, तो जितने भी ओपोनेंट्स के हरीफ इस वक्त इसको सुन रहे हो, सीधा सीधा एक चैलेंज है मारुति सुजुकी की तरफ से कि अब शायद कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं होगा जो कि मारुति सुजुकी की जद में ना आए और जहां पर कस्टमर्स के लिए अच्छी गाड़ियों को उतारा ना जाए। तो क्योंकि वैल्यू फॉर मनी पैकेज जो है उसमें मारुति सुजुकी हमेशा आगे रहा है, और शायद ये बहुत अच्छा भी है कस्टमर्स के लिए। कॉम्पिटिशन जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ज़्यादा कस्टमर्स के लिए वैल्यू होता है। शशांक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, एक बार फिर आपने समय निकाला, दर्शकों के जो सवाल थे उनके भी आपने जवाब दिए। जिमनी के लिए मुबारकबाद, और इसका रिव्यू चैनल पे हम जल्दी अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, बोलने की इजाज़त नहीं है, पर मैं करके जरूर बता सकता हूँ दैट दिस इज़ अ थम्स अप।